गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? आवाज सुनाई दे रही है? यस या नो रिप्लाई करो। यस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम कल के सेशन से। कल जो मेन इंपॉर्टेंट आपको याद करना था वो था वंडरवॉल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ उसे, और वही आपको याद करना है अभी तक वंडरवॉल इक्वेशन में। ठीक है, तो वंडरवॉल इक्वेशन होती क्या है? ये थी पी प्लस, इसमें दो करेक्शन किए थे। पहला है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये है वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर एन मोल होंगे तो। और अगर वन मोल है तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और यहाँ पे एन वन होगा तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये दो इक्वेशन है जो आपको याद रखने किसी भी हालत में। दिस इज कॉल्ड वैंडरवॉल इक्वेशन। और इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। जहां तक हमने कल पढ़ा था, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सबको? लाइट तो नहीं आ रही ज्यादा? लाइट का कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा है? क्लियर दिख रहा है सबको? रिप्लाई करो जल्दी। क्लियर दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? क्लियर है, ओके क्लियर। अब देखो यहां से आगे आता है टेक्निकल पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखो। अब इसमें ए और बी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके दो ए और बी थे जो, दैट इज कॉल्ड वैंडरवॉल कॉन्स्टेंट, ए एंड बी। ए एंड बी इज वैंडरवॉल कॉन्स्टेंट, वैंडरवॉल के कॉन्स्टेंट होते हैं ये। ए एंड बी इज कॉल्ड वैंडरवॉल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जब वैंडरवॉल के कॉन्स्टेंट है तो इसको, इसके बेस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ध्यान रखना, ए की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांट सी अपसाइड। ओके, ये लो, फिकर ही नॉट। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ए में क्या होगा? ए ज्यादा होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो, इसके बीच में बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब ए ज्यादा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मुझे पता कैसे चलेगा? देखो इन जनरल जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसका ए की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ध्यान रखना, अगर मैंने कहा पोलर कंपाउंड है तो पोलर जनरली ज्यादा होगा नॉन पोलर से। दूसरा, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन सबसे ज्यादा ही होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे भी आएगी उसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी नॉन पोलर। तो ये ध्यान रखना आपने, इसमें क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेटमेंट ये लिख लो। ठीक है, पहले आपको मैं नॉन पोलर का देता हूं, उसमें क्या देखना है आपने? मॉलिकुलर वेट देखना है। जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसकी ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी।
और सेकंड इसमें आपने क्या देखना है, सेकंड देखना है आपने इसमें अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। रिटर्न अब इसे रब कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिटर्न ए की वैल्यू ज्यादा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। कई बार क्वेश्चन पूछता है ए से क्या पता चलता है, हमें ए बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पता कैसे चलेगा, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा जनरली उसका ए ज्यादा होगा, लेकिन उसमें दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, देखते नहीं है। तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो एक और पॉइंट बताता है ए, दो तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। पहला ये वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड इसमें पूछा जाता है ए की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, इजिली लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब होता है लिक्विड में चेंज हो जाना, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर आप चाहते हो कि गैस जल्दी से किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विफाई। लिक्विड का मतलब भी होता है लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, तो जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। और ए अभी मैंने आपको निकालना बताया, अभी इसको हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले इसका एक थर्ड पॉइंट भी मैं इसको करवा देता हूँ, इसकी यूनिट पूछी जाती है, यूनिट। इससे केवल तीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको पहले बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन लिक्विफाई जल्दी होगा, कौन देर में होगा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है इसकी यूनिट से। तो यूनिट के लिए क्या करेंगे हम, इसको इस फॉर्मूले को रखते हैं। देखो ये था पी प्लस ए स्क्वायर, ए एन स्क्वायर, सॉरी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यहीं से लेंगे हम। इसमें कभी भी ध्यान रखना, आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया होगा, इसे हम इक्वल मान लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब यहां से ए निकालना है तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसे इधर मल्टीप्लाई करो। ए इज इक्वल टू ये पी यहां से इंटू ये वी स्क्वायर यहां चला गया अपॉन एन स्क्वायर नीचे आ गया। अब इसे लिख लो और इसकी जल्दी से यूनिट लिख लो, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है। रिटर्न अच्छा किस चीज को, एक मिनट मैं पहले लिख लो, इसे लिख लिया सबने, डन। ओके थर्ड वाले को भी बताता हूं। देखो थर्ड वाले में कभी भी आपको यूनिट निकालनी होगी किसी भी चीज की, फिजिक्स में भी आपने किया होगा ए एंड बी का, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने किया फॉर्मूले में ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा मैंने वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। तो होता क्या है कि जो एक पोर्शन होता है इसको हम इक्वल मान लेते हैं। कभी भी यूनिट निकालनी होती तो एक साथ पूरा यूनिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कहता है जितना इसकी यूनिट है उतना इसकी यूनिट होगी, दोनों सेम होती है।
तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर यूनिट निकालनी होगी हमें तो यहां पे हम इक्वल का साइन रख देंगे, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मुझे ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसे यहां मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन में चले जाएगा, ये यहां चला जाएगा। अब प्रेशर की यूनिट आपने क्या ले ली, सपोज एटीएम, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया। वॉल्यूम की यूनिट आपने ले ली लीटर, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। हो सकता है यहां वो चेंज कर दे, यहां सेंटीमीटर में दे दे, मिलीमीटर में दे दे, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रेशर की यूनिट यहां पे होनी चाहिए। हो सकता है यहां पे प्रेशर को किस में दे दे, मीटर में, मिलीमीटर में दे दे, बार में दे दे। अगर यहां इसने सपोज करो इसे बार लिख दिया, यहां लीटर है, लीटर को उसने मीटर में लिख दिया, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो अगर इसे मीटर में लिखेंगे तो 3 2 6 पावर 6 हो जाएगी, तो मीटर में क्या हो जाएगा, बार मीटर की पावर 6 अपॉन मोल का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें, इसकी यूनिट बताओ। डन। डन है, डन, ओके। अब देखो इससे ए से बहुत सारी चीजें वैसे पता चल जाती है हमें, ए से हमें और क्या क्या चीजें पता चलती है, एक पता चलता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का, ए ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ए अगर ज्यादा होगा तो लिक्विफेक्शन जो प्रेशर होता है, जो लिक्विड में चेंज करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, लिक्विफेक्शन प्रेशर, वो कम हो जाता है। यानी कि जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन कह सकते हो इसे फिर, या तो लिक्विफिकेशन प्रेशर, यानी लिक्विड, यानी जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, उसे कहेंगे लिक्विफिकेशन प्रेशर, यानी लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी प्रेशर रिक्वायर्ड है। अगर कोई गैस आपके पास, आप चाहते हो इसे लिक्विड में चेंज कर दो, तो जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसमें। डन हो गया। लिख लिया सबने, यस नो, यस, ओके। और डन, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है आपके पास, मेन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एक ही वैल्यू निकालनी है बस। अब मैंने कहा सपोज करो कि
हीलियम है, ठीक है। आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब मैं इसके सामने लिखूंगा, देखो पहला जैसे मैंने लिखा हीलियम, हीना, नीना और करीना, ठीक है। अब आपने इसमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट छोड़ देते हैं अभी। आपको इसमें बताना है लिक्विफिकेशन, कौन इजली लिक्विफाई हो जाएगी, बताओ इसमें से कौन इजली लिक्विफाई हो जाएगी। आपको क्या बताया था कि ए की वैल्यू, हाँ पृथ्वीराज, अदिति, सूर्यवंशी। देखो इसमें क्या है, यहां से स्टार्ट करो 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, क्या बताया था आपको? अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन इजली हो जाएगा, ठीक। तो अब जो लिक्विफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिकुलर मास पे। ये लिक्विड ए किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिकुलर वेट पे, मॉलिकुलर वेट। अब इसका देखो ये एटम है तो एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का या क्रिप्टन का? हाँ सुचित्रा सही आंसर है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा ए जनरली किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिकुलर वेट पे, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, सही आंसर है। तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन इजली हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मॉलिकुलर वेट होता है 4, इसका होता है 20 के आसपास, इसका होता है 40 के आसपास, इसका होता है लगभग 92 के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा क्रिप्टन का होगा, तो 4, 3, 2, 1। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो अगर मैंने क्वेश्चन को यही रखा, क्वेश्चन मैंने सेम रख दिया, चलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, मैंने कहा बताओ बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बताओ आप। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? हाँ सूर्यवंशी सही आंसर है, बाकी अदिति ने सही बता दिया है, सुचित्रा सही, आयुष ज्यादा और सही आंसर है, वेरी गुड। और सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वीराज सही है, मनाली सही है। तो ये फिर वही ऑर्डर होगा 4, 3, 2, 1। अब इसके लिए सबको मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए, देखो मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा तो आप लोग कर नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए। अगर मैंने कहा बताओ ए की वैल्यू, डायरेक्ट तो दे देगा, ए की वैल्यू बताओ किसकी ज्यादा है, ए की वैल्यू। और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको थर्ड क्वेश्चन में, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2। अब आपको मॉलिकुलर वेट पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। सी का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये याद रख रहे हैं। अब मॉलिकुलर वेट निकालो फटाक से और बताओ सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसकी होगी। हाँ अदिति बिल्कुल सही है, इसका ऑर्डर ही बता दो, जिसको पता है ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर बता दो। सिद्धि मिस कर गई, सबसे ज्यादा किसका होगा, था आयुष ज्यादा हो, पृथ्वीराज सही है,
सही तो नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग कर गया सेकंड थर्ड में। देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 1+1 2, ऑक्सीजन का 16+16 32, 14+14 28, इसका होगा 12+16 into 2 44। तो सबसे ज्यादा 4 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का। हाँ ठीक है, तो ये है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू से आपको मैंने जितना पॉइंट बताया सब आप कर सकते हो। समझ में आया सबको? अब इसमें कौन सी चीज अफेक्ट कर जाती है? देखो अफेक्टेड फैक्टर मैं आपको बता देता हूं जो आपके आंसर को थोड़ा चेंज कर देगा, वो कौन सा है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा है H2N2, यहां लिख दिया मैंने NH3 और यहां लिख दिया मैंने CO2, ये 4 दिन। ये है क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4। अब इसमें से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बताओ, ए की वैल्यू चाहे बॉइलिंग पॉइंट का हो, लिक्विफिकेशन का हो, कुछ भी का हो, तो ए से आप निकाल ही लोगे। ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? अदिति और इसके अलावा सुचित्रा। देखो अब ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ए की वैल्यू अनुजा, ठीक, इसमें ए की वैल्यू देखो 1+1 2 हो गया था, ये 32 आ गया था, ये है 14+3 यानी 17 और ये 44। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, होना यही चाहिए था। देखो पहले 4 फिर 2 फिर 3 और फिर 1, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या चला जाएगा, पहले नंबर पे चला जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, ये यहां से फर्स्ट में दौड़ जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो 3 पहले आएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। तो इसका आंसर ये है, इसको नहीं करेंगे। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलर का कॉन्सेप्ट आ गया तो वो नॉन पोलर से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना आप, इसीलिए पोलर नॉन पोलर। हाँ अब भी बताता हूं, पहले से लिख लो। रिटर्न देखो होता क्या है कि जैसे अभी मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मुझे पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, जैसे अमोनिया NH3, तो NH और ये NH3 हो गया। अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पढ़ाया गया है कि आप चेक करोगे कि वो कंपाउंड कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना रहा है। इसके बाद ये तीसरा देखो, फिर यहां से जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल जो मॉलिक्यूल होता है इसके बीच में वंडरवॉल फोर्स लगता है, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है वंडरवॉल फोर्स से, इसीलिए NH3 का नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ तो इसीलिए तो बेसिक पॉइंट बताए जाते हैं आपको, इनिशियली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वंडरवॉल है वो क्यों बताया गया था, ताकि आगे जब हम चीजें बताएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे जनरली कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये परमानेंट गैस होती है CO2, जो नॉन पोलर है, तो अगर नॉन पोलर गैस दिख रही है आपको तो इसमें हम केवल साइज या मॉलिक्यूलर वेट का फैक्टर देखते,
जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा आ गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या पोलैरिटी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो पोलर होते हैं पोलैरिटी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मतलब ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके ऑल ऑप्शन में हाइड्रोजन हुआ तो कैसे आएगा, हाइड्रोजन का नहीं होता इसमें, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। अगर जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट। और अगर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आ गए तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी पावर ज्यादा होती है। मैंने उसका भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक कैसे करना है, ठीक है। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना आप लोगों ने, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कई बार, वो आपको और कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू कितना बोलेगा कि हीलियम, सॉरी ए दे दिया यहाँ पे एक्स वाई जेड, तीन गैस दे दी उसने, उसने बोला इसकी ए की वैल्यू वन है, इसकी टू है, इसकी थ्री है, ठीक है। हाँ, अब इनमें से बताओ कि कौन इजली लिक्विफाई हो जाएगा, इजली लिक्विफाई हो जाएगा, कौन बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। हाँ, सुचित्रा सही आंसर है, अदिति सही आंसर है। तो कई बार वो ऐसे देता आपको क्वेश्चन, कई बार वो बोलता है ए की वैल्यू बताओ, अनुजा पृथ्वीराज सही है। तो और कई बार वो क्या करता है आपको ए की वैल्यू पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी वैल्यूज दे दी मैंने आपको, मैंने कहा ए की वैल्यूज है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है किस किस की वैल्यू है, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे मैंने दे दिया CO2, यहाँ पे दे दिया मैंने आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे दे दिया मैंने आपको ये हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे दे दिया मैंने आपको कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही रख दो फिलहाल, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन रख दिया। अब आपको ये मैच करना है कि इसका इसका मैच इसमें से किसके साथ होगा, तो आप किसके साथ जाओगे, कई बार आपको क्या करेगा कंबाइंड करवा देगा, बताओ इसका किसके साथ कनेक्शन होगा। हाँ आदित्य बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सुचित्रा और रुजुल सही आंसर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना, हमें याद नहीं करनी वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू क्या होती है आपको दिख रहा, आपको लगेगा कि हमें वैल्यू याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें से सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होनी चाहिए, CO2 की, तो वो इसके साथ हो गया। हाइड्रोजन किसके साथ मैच करेगा बताओ जरा, इनमें से हाइड्रोजन किसके साथ मैच करेगा। हाँ अदिति सही है, सुचित्रा ईशा राइट आंसर, पृथ्वीराज, तो आप ऐसे टिक कर दो, इसमें याद नहीं करना है आपको प्रसाद, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन का पूछा इनमें से कौन सा होगा नाइट्रोजन का, नो ईशा ने सही आंसर बताया है, अदिति प्रसाद और सही आंसर है आयुष जाधव, इसका 3 और इसका 4, ऐसे करना है आपने, याद नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कैसे हमें पता चला, इसके मॉलिकुलर वेट से, तो पहले आपको इसे अरेंज करो फिर इसके वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये कई बार कॉम्पिटेटिव में पूछे हुए क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन आता है ए का बहुत बार, ए और बी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब सेकंड है इसमें, सेकंड पॉइंट इज बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अब बी की सिग्निफिकेंस क्या है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है यहां पे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, गैस है ना, हम नाइट्रोजन के अंदर की बात नहीं कर रहे, एक नाइट्रोजन ये है दूसरा नाइट्रोजन ये, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वैंडरवाल फोर्स,
हम नाइट एन और एन के बात नहीं कर रहे, हम एटम के बीच की बात नहीं कर रहे, हम किसके बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं। इसीलिए अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी आपको क्या बताएगा, बी जनरली आपको बताता है साइज, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर उसका साइज ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। बी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर क्या होगा, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा उसकी बी की वैल्यू भी ज्यादा, पहला पॉइंट। अब जैसे मैंने कहा आपको साइज के लिए CH4 C2H6 C3H8 और C4H10 और ये 1 2 3 4, आपको किसका साइज बड़ा लग रहा है इनमें से? जिसका इफेक्टिव साइज बड़ा होगा उसका बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। वेरी गुड अदिति और अनुजा सुचित्रा, वेरी गुड आयुष जाधव, पृथ्वीराज। तो हमने क्या देखना है, साइज देखना है, क्योंकि बी साइज को बताता है, वॉल्यूम को बताता है, इफेक्टिव वॉल्यूम बताएगा या साइज बताएगा। ठीक है, तो साइज सबसे बड़ा साइज है 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, 4 की। ठीक है, तो जो होगा आपका बी 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, हाँ बिल्कुल सही, ये है मिथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पे ये इफेक्टिव साइज को बताएगा या फिर इफेक्टिव वॉल्यूम को बताएगा, एक ही बात है, बी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर इफेक्टिव वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम को ही बताता है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, अभी आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको कॉम्पिटिटिव के, तो वहां भी आपको मिलेंगे। तो इसके बेसिक पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे जल्दी लिख लो, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल या साइज। डन ओके। अब देखो इसकी यूनिट पूछी जाती है, एक और यूनिट, जैसे अभी हमने इसकी यूनिट निकाली थी वैसे इसकी यूनिट निकालनी है, जैसे हमने ए की निकाली थी वैसे ही इसकी निकालनी। यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी के लिए कैसे निकालेंगे, हमने कहा था देखो वी माइनस एन बी, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना, हमने इक्वल कर देना एन बी। तो बी क्या होगा, एन अपॉन में चले जाएगा, बी इज इक्वल टू वी बाई एन। अब आपको पता है V की यूनिट क्या होती है और N की यूनिट क्या होती है, कोई बताओ जरा इसकी यूनिट क्या कह सकते हो आप? हाँ अदिति बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, यही तो है। देखो जो सोच समझ के करेगा उसको याद नहीं करना पड़ता है, यही डिफरेंस है, अगर आप समझोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और जो नहीं समझेगा। अनुजा सही आंसर है, सिद्धि सही आंसर है, और रिप्लाई करते जाओ तो क्या होगा, लिखने से आपको याद भी होगी चीजें, लिखते जाओ उसे समझते जाओ लिखते जाओ, तो आपको क्या होगा साथ लिखता, एक बार आप और रिवीजन करोगे तो क्या होगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। रुजुल सही आंसर है, लीटर पर मोल लिख सकते हो या मीटर क्यूब पर मोल लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है किसमें, क्वेश्चन में। प्रसाद सही आंसर है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में आपको चकरा देता हो या यूनिट चेंज करके दे देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, वो मीटर ना देके यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दे देगा, आप कंफ्यूज कर देगा आपको कि होना क्या चाहिए, एक जगह पे लिखेगा सेंटीमीटर पर मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, तो वहां पे आपको समझना है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, तो ये यूनिट पूछी जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ बी में,
यूनिट ऑफ भी रिटर्न, इसीलिए यूनिट आपको पहले ही बता दिया था, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स का, प्रेशर का, इसीलिए स्टार्टिंग में डिस्कशन हो जाते हैं जो बहुत बेसिक पॉइंट होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसको बेसिक नहीं आता है वो आगे